तो देखिए, चांद पर लैंड करने के लिए जो चंद्रयान 3 का काउंटडाउन है वो लगातार चल रहा है। 29 घंटे का वक्त बचा हुआ है जब चांद की सतह पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। और बड़ी खबर इस वक्त की जान लीजिए आप, इसरो ने जारी की है चांद की नई तस्वीर। 70 किलोमीटर की ऊंचाई से तस्वीर ली गई है, इसरो की तरफ से ये जारी की गई है। कल शाम 6:04 पर चांद पर लैंडिंग होगी। 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ये तस्वीर साझा की गई है इसरो की तरफ से। तो चंद्रयान पर ये बड़ी खबर है। और देखिए, ये तस्वीर जो नई सामने आई है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चांद की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें जो इसरो की तरफ से जारी की गई है। और अब काउंटडाउन भी 29 घंटे 19 मिनट और 10 सेकंड से भी कम का वक्त जब चांद पर कदम रखेगा भारत का चंद्रयान 3। और कल शाम 6:04 पर चांद पर लैंडिंग होगी। और जो ताजा तस्वीरें इसरो की तरफ से जारी की गई हैं वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ये तस्वीरें ली गई हैं। चांद की सतह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कल शाम इसी सतह पर लैंड करेगा भारत का चंद्रयान 3। तो हमारे तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं जो बारीकी को आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलेगी आखिरी वक्त में, ये जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अमिताभ पांडे जी का रुख कर लेते हैं। सर, देखिए, लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, ये बताया भी जा रहा है इसरो की तरफ से कि सब कुछ वही हो रहा है जो उम्मीद हम कर रहे हैं। और इस सब में जो सबसे बड़ा अहम रोल होगा सर, वो गति का होगा, स्पीड का होगा, क्योंकि स्पीड अगर कंट्रोल में रही तो सफलतापूर्वक हम लैंड कर जाएंगे। जैसे हमारे सौम्य दत्ता जी बता रहे थे, वो बिल्कुल सही बात बता रहे थे कि हमारे जो थ्रस्टर्स हैं जिनके जरिए हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं, जो 4 थ्रस्टर हैं उनकी पावर को बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ इसके सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया गया है जिसमें कि एक ही सिस्टम पर रिलाई नहीं करते हैं, इसमें 2-3 बैकअप सिस्टम भी है। हमारे पास 2 ऑर्बिटर हैं, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी है, चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर भी मौजूद है। इसके लिए हमको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी और इसके जो ऑरिएंटेशन को ठीक करने का सिस्टम है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट किया है। पिछली बार जैसे बता रहा था कि आप 1 सेकंड में 25 डिग्री तक आप करेक्शन कर सकते हैं। होता है कि लार्ज के लैंडिंग मूवमेंट में इसकी स्पीड को ठीक करना और इसके ऑरिएंटेशन को सही रखना बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो हमारे इंप्रूव सिस्टम इसका, इस बात का पूरा भरोसा है उसको ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, नरेंद्र भंडारी जी का रुख करते हैं। नरेंद्र जी, आप ब्रेक से पहले बता रहे थे कुछ क्रूशियल पॉइंट्स के बारे में हमारे दर्शकों को। देखिए, इस मिशन के 2 उद्देश्य हैं। एक टेक्नोलॉजिकल है जिसकी अपन बात कर रहे थे कि लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग हो जाना चाहिए, और एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है। वो फाइनल हमारा ऑब्जेक्टिव वो है कि उस एरिया का पता करें जहाँ पर ये लैंड होने वाला है, वहाँ क्या मिनरल्स हैं, कितना पानी है, वहाँ टेम्परेचर प्रोफाइल क्या है, वहाँ पर टेरेन कैसा है, केमिस्ट्री कैसी है। तो वो हमारा फाइनल एम है। तो विज्ञान जो आएगा, जिसकी ओर सब लोगों का ध्यान है कि वहाँ के बारे में पता करें, क्योंकि अभी देखिए मून में बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया है। इसके 3-4 कारण हैं। एक तो ये आर्टिमिस मिशन जो है अमेरिका का, वो और चंद्रयान 1 ने वहाँ पर पानी खोजा। तो पानी बड़ा एक मिरेकल मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन निकाल सकते हैं जो एनर्जी दे सकती है आपको। वो एनर्जी रॉकेट भी लॉन्च कर सकते हैं, वहाँ भी रह भी सकते हैं, और एक वो ऑक्सीजन देता है जिससे अपन वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। लैंडिंग के साथ ही सर, बहुत सारे आप सही बता रहे हैं कि बहुत सारे रहस्यों से पर्दा भी उठने वाला है और इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी रहे हमारे साथ, काउंटडाउन भी देखिए लगातार चल रहा है। चांद पर जय हिंद होने वाला है, 29 घंटे का वक्त, और 29 घंटे के बाद देखिए तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। और पूरा हिंदुस्तान ये दुआ कर रहा है कि सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो जाए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।